I am at the Kamani Auditorium and I am here to attend the Bhilwara Sursangam 2023. Some of the greatest exponents and masters of Indian classical music are going to perform here. As Bhilwara Sursangam completes 10 years of its journey, I am also going to take interview of some renowned exponents of classical music. हमारे साथ है पंडित मुकुल शिवपुत्र सर और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया है तो हम इनके बहुत आभारी हैं। तो सर आज के जो भिलवाड़ा का इवेंट था जो 10 साल आज पूरे हुए हैं तो भिलवाड़ा इवेंट में आपको सर परफॉर्म करके सुर संगम 2023 में परफॉर्म करने आपको कैसा लगा? काफी और इसके आगे सर अगले और इसके बाद और अब कहाँ पे इस कॉन्सर्ट में आप आई हैव विद मी रिनाउंड तबला प्लेयर अकरम खान सर एंड ही इज गोइंग टू गिव ब्रीफ इनसाइट अबाउट हिज जर्नी एंड हिज अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द इवेंट टुडे। सर आपके यहाँ सुर संगम 2023 में परफॉर्म करके कैसा लगा सर आपको आज यहाँ पे दिल्ली में? बहुत अच्छा लगा और बेसिकली आई बिलोंग्स टू मेरे विच इज यूपी एंड माय जर्नी स्टार्टेड इन 1987-86 एंड आई वाज इन मेरठ एट दैट टाइम देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली. So since last 30-35 years, I have been into this music and this musical journey of my life. And I'm the 7th unbroken generation of my family. So ये मेरा एक छोटा सा सफर है. और LNJ भीलवाड़ा ग्रुप के लिए मैंने पहले भी बजाया है. जैसे कि आप बाहर आपने देखा होगा तस्वीरों में मेरा भी एक तस्वीर है. और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ. हमेशा ही इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. कलाकारों को बहुत इज्जत देते हैं, कलाकार को बहुत प्यार से रखते हैं और कला के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं. मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह के और बिजनेस हाउसेज हैं, इफ़ दे कम फॉरवर्ड ऑल टुगेदर, आई थिंक सो देर विल बी बेस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड आर्टिस्ट. अगर इसी तरह से सब लोग आके थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करें तो आई एम श्योर विद इन नेक्स्ट 100 or 200 ईयर्स वी कैन सेव दिस म्यूजिकल हेरिटेज. आर्टिस्ट को और आर्ट को अगर सब लोग इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें जैसे कि भीलवाड़ा ग्रुप कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कलाकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है. सर और ये जो आप इस फील्ड में हैं आर्ट में तबला बजाते हैं सर तो ये क्या बचपन से ही आपने स्टार्ट इसी फील्ड में सर आपने बचपन से ही? हाँ मेरे फादर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर उनके फादर मतलब जैसे मैंने भी आपको कहा कि हमारे 6-7 पीढ़ियों से चला आ रहा. सो व्हेन आई वाज लाइक 13-14 इयर्स ओल्ड सो लाइक एवरीवन गोज टू स्कूल आई यूज्ड टू गो टू स्कूल आल्सो. उसके बाद मैं घर आते थे तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उस्ताद मोहम्मद शफी खान साहब वो अपने ऐसे गोद पे बिठा के मुझे बेसिक था दिन दिन धक्का खा गा गए बीसीडी जैसे होता है उस तरह से 3 ताल में वो मुझे सिखाते थे. सो दैट वाज माय टाइम व्हेन आई स्टार्टेड विद माय ग्रेट ग्रैंडफादर. और तब से लेके क्योंकि बिकॉज तबला वॉज रनिंग इन माई फैमिली सो आई मीन 24 आवर्स आई कैन हियर either my father playing or either his disciples or my great grandfather's is teaching somebody else. I mean most of the time tabla ki awaaz mere kaan mein aati thi to wo bhi ek inspiration wo bhi ek taleem hoti hai indirectly hamare yahan. to main to bachpan se hi mere family mein tabla raha aur bachpan se hi maine seekhna shuru kiya. sir abhi jaise matlab aage dekha jaye generation mein abhi मतलब अपकमिंग जो सॉन्ग नेचर मतलब टाइप ऑफ जेनरे होते हैं सॉन्ग के जेनर जॉनर तो सॉन्ग के जॉनर में देखा जाए तो अभी मतलब बॉलीवुड म्यूजिक और फिर रैप और अलग अलग तरह के म्यूजिक अभी डेवलप हो रहे हैं. तो अलग अलग तरह के म्यूजिक जैसे डेवलप हो रहे हैं तो उसमें आप सर क्लासिकल सॉन्ग का आगे जाके आपको कैसा लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन क्लासिकल म्यूजिक के प्रति वो लोग विल दे बी इंटरेस्टेड टू हियर इट? वो देखिए जब हमारे यहाँ ये
पॉप और रॉक और ये ब्लू और ये सब जो पॉपुलर म्यूजिक नहीं था तो हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के भी बीच में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर गाते थे, उस्ताद अमीर खान साहब गाते थे, उस्ताद अहमद जान कृपा खान साहब का तबला बजता था, पंडित किशन महाराज जी, कंठे महाराज जी, पंडित श्यामद प्रसाद जी, इन लोगों को भी उतना ही लोग आके सुनते थे जितना आज बाकी के हम लोग कलाकारों को सुन रहे हैं। तो ये जो पॉपुलर म्यूजिक है ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो हमारे रूट्स हैं क्लासिकल म्यूजिक के, शास्त्रीय संगीत के, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि ये म्यूजिक शास्त्रों का है, ये म्यूजिक मंदिर से जुड़ा हुआ है, सूफियों से जुड़ा हुआ है और पीरों से जुड़ा हुआ है, ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ है, ये संगीत कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें जो लोगों ने काम किया है, इसमें जो ईश्वर भक्ति है इस संगीत में, वो ख़त्म नहीं होगी। बाकी के दूसरे म्यूजिक आते जाते रहेंगे और मैं तो चाहूँगा कि जो नई जनरेशन है वो सब तरह का म्यूजिक सुने, हर तरह का म्यूजिक सुने, चाहे वो पॉपुलर म्यूजिक हो, चाहे वो दूसरे तरह का म्यूजिक हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, सब तरह का सुने। वो सुनने के बाद में फिर अपना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सुने और जिसमें उनको अच्छा लगे उसको फॉलो करें, उसको सुने। मैं तो चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन हर तरह का म्यूजिक सुन के और फिर ये कंपेयर करें कि आपको अच्छा और सुकून और दिल दिमाग को क्या अच्छा लगता है, हमारा शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है या दूसरा म्यूजिक अच्छा लगता है। आई एम श्योर दे विल अप्रिशिएट अवर ओन म्यूजिक, अवर शास्त्रीय संगीत, आई एम श्योर, एंड वी आर एब्सोल्युटली श्योर, एब्सोल्युटली आई एम श्योर दैट दे विल नेवर गो टू एनी अदर music, they will come back to their own roots, they will come back to their own Indian classical music. इसलिए मैं तो, मुझे तो बहुत भरोसा है अपने पे और अपने शास्त्रीय संगीत पे कि कितने भी अलग अलग तरह के म्यूजिक आ जाएंगे, जनरेशन दूसरे म्यूजिक को भी सुनाएंगे, लेकिन वो वापस शास्त्रीय संगीत में ही आएंगे। और ये पहले से ही चला आ रहा है, आप देख लीजिए ना, 100 साल पहले से भी चला आ रहा है, 100 साल पहले भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है। शास्त्रीय संगीत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शास्त्रीय संगीत को जरा सा भी कहीं कोई टच भी नहीं कर सकता। सर अब इसके आगे अभी आप फिर कहाँ परफॉर्म करेंगे? इसके आगे हमारे और भी आगे भी परफॉर्मेंस है, अभी का पिछले एक हफ्ते से मैं बनारस से संकट मोचन में बजा के आ रहा हूँ, आज ही वहाँ से लौटा हूँ, इसके बाद भी आगे भी परफॉर्मेंस रहेंगे, दूसरे शहरों में जाने के लिए तैयार, अपना सफर काम चलते रहता है मेरा अपना कहीं ना कहीं। और सर किन किन आर्टिस्ट के साथ आपको कोलैबोरेट करने में सबसे अच्छा लगता है और इंस्पायर्ड होते हैं, तो किन किन आर्टिस्ट के साथ आप काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं और उत्साहित रहते हैं? सर सभी कलाकार अच्छे हैं, सब कलाकार बहुत अच्छे हैं, आज इनके साथ में मैं पहली बार बजा रहा हूँ। अच्छा। आपको कहीं लगा कि कोई ऐसा लगा कि कहीं पहली बार में बजा? नहीं, ऐसा तो लगा नहीं, यही शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती है, पहले भी आप बजा चुके हैं ऐसा लग रहा है ना, यही केमिस्ट्री है शास्त्रीय संगीत में कि दो कलाकार, एक ईस्ट से आता है एक वेस्ट से आता है, लेकिन जब एक मंच पे आके दोनों एक साथ होते हैं तो वो एक संगीत हो जाता है, वो अलग अलग नहीं होता, यही हमारे संगीत की खूबसूरती है। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो सबके साथ बजा के अच्छा लगता है, चाहे उस्ताद विलायत खान साहब हों, चाहे पंडित रविशंकर जी हों, उस जनरेशन के जितने कलाकार हों, चाहे उनके बाद के हों, उनके बाद के हों, मुझे सबके साथ बजा के अच्छा लगता है, सबके साथ बजा के एक अलग अनुभव होता है। और मैं समझता हूँ कि हर एक कलाकार अपने में बहुत अच्छा है, और मेरा काम तबला बजाने का, मेरा काम एकम्पनीमेंट का है, तो मुझे उनका म्यूजिक सुनना है, उनका म्यूजिक देखना, उनको एनालाइज करना है, पर्सनली उनको एनालाइज करना है कि वो किस तरह के उनका सोच है म्यूजिक के लिए, क्या म्यूजिक के लिए उनका ट्रीटमेंट है, किस राग को किस ताल को कैसे करते हैं, तो मुझे ऑन द स्पॉट समझना पड़ता है। जैसे आज मैंने उनको देखा, ऑन द स्पॉट मैं उनको फॉलो कर रहा था, ये मेरे प्रोफेशन के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, एक तबला प्लेयर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, ये आप ऑन द स्पॉट क्रिएट कर रहे हैं कोई चीज़, ये आसान नहीं है। जो दूसरे कलाकार हैं वो तो 6 महीने 8 महीने सोच के आए हैं, रियाज करके आए हैं, मैं तो यही मिला उनसे, लेकिन जो उनकी सोच है मुझे उस तक पहुंचना है,
मुझे उनको पढ़ना है, उनको समझना है, स्टेज पे समझना है, और तब जाके और अपने म्यूजिक को उनके साथ में ब्लेंड करना है। और वो जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी हो सकती है, ये हर तबला प्लेयर का अपना अपना मिजाज है। ठीक है सर, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है सर, तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और धन्यवाद, थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।